फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद की कमेंट करने पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देश में 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद से हिंदुस्तान में जवाबी कार्यवाही में एयर स्ट्राइक से दोनों देशों में माहौल दिन ब दिन गर्माता चला जा रहा है और इस कार्यवाही में पूरा देश हिंदुस्तान के तीनों सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर रामपुर जिले की कोतवाली टांडा निवासी नदीम और हरज्ञान सिंह सैनी आपस में फेसबुक फ्रेंड हैं और आज हरज्ञान सिंह सैनी ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को दी गई मुंहतोड़ कार्यवाही की खुशी जाहिर करते हुए एक पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट से की, जिस पर सऊदी काम करने गए नदीम ने हरज्ञान सिंह सैनी की फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद की कमेंट की थी, जिससे नाराज नगर के आम लोगों ने हिंदुस्तान विरोधी कमेंट करने वाले नदीम के खिलाफ कोतवाली टांडा में दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस प्रभारी निरीक्षक ध्रुव कुमार ने तत्काल मामला दर्ज करने के दिए निर्देश। वहीं आरोपी नदीम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की ठान ली, जिसके बाद देर रात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोहल्ला भब्बनपुरी निवासी नदीम सैफी, जो कि यहाँ का मूल निवासी है, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो फेसबुक पर कमेंट्स किए, जिसके खिलाफ टांडे के ही कुछ युवाओं ने, सभी लोग उसमें शामिल थे, उन्होंने उसके खिलाफ़ तहरीर दी है और प्रशासन से आग्रह किया है कि उसके खिलाफ जल्दी से जल्द कोई कार्रवाई की। टांडा कस्बे के ही दो व्यक्ति हैं, हरज्ञान और सैफी, ये आपस में फेसबुक फ्रेंड हैं। वर्तमान समय में भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर के इनके बीच फेसबुक पर ही कुछ कमेंट्स लिखे जा रहे थे, जिसमें सैफी ने किसी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है, जिसका कुछ लोगों ने संज्ञान लिया और उन्होंने थाने में आकर के पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे विधिक कार्रवाई की।